वेलकम बैक गाइस। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने अपने मॉडल को थोड़ा सा काट के रखा है और बेसिक सा जो एडजस्टमेंट है वो भी कंप्लीट कर रखा है। और गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको किट्स का एक पीएनजी है, सारा चीज़ यहाँ पर जो भी मैं यूज़ करूँगा वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर कंट्रोल जेड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये पार्ट को काट रखा है। यहाँ पर मैं डिसलेक्ट करता हूँ, उसके बाद गाइस अभी आपको क्या करना है, कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए सिंपल है, आपको सबसे पहले पेन टूल ले लेना है। यहाँ से पेन टूल लेने के बाद आपको दो क्लिक करना है सिंपली, यहाँ पर एक क्लिक और यहाँ पर एक क्लिक करके थोड़ा सा टान के से एडजस्ट कर लेंगे हम। जैसे यहाँ से मैं करता हूँ एरा, परफेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम इसको बढ़ा लेंगे ऐसे करके और पूरा राउंड करके इसको हम यहाँ से सिलेक्शन बना के मैक्स सिलेक्शन करके यहाँ पर जो हमारा फैदर रेडियस है इसे जीरो रखेंगे और ओके पर हिट करते हैं। तो देखिए ये सिलेक्शन करता भी सिंपली हमें डिलीट कर लेना है, तो हमारा ये पार्ट डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए इमेज में जाते हैं और इमेज साइज पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा रेजुलेशन 72 है तो हम इसको 300 कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और यहाँ से भी हम कर लेंगे 1000, यहाँ पर 1000 ओके पर हिट करते हैं, तो थोड़ा सा गाइस बड़ा हो जाएगा, बट इसका क्वालिटी थोड़ा सा कम है तो आप उसे इग्नोर करें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद गाइस हमारा ये मॉडल पहले से मैंने रेडी रखा है, तो यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको और ला के यहाँ पर रख देता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और कंट्रोल जीरो करके इसको हम फिक्स कर लेते हैं ऐसे करके, ये रहा। तो फिक्स करने के बाद गाइस आपको देखना, जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत समय आता है कि मैं कौन सा बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा इमेज का क्वालिटी मतलब फट नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, इमेज पर जा रहा हूँ और इमेज साइज पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पिक्सल पर देख लिए, यहाँ पर जो भी रेजुलेशन हो पिक्सल पर, अगर मैं यहाँ पर रेजुलेशन को 300 कर देता हूँ तो ये और भी बड़ा फाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3456 इसका वेथ है और हाइट है जो है वो 2304 है। यहाँ पर हम ओके पर हिट करते हैं तो ये इमेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो गाइस अभी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा ये वाला बुक है इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे लाके रखते हैं। रखने के बाद आप इसे कंट्रोल टी करके बड़ा कर लें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इतना बड़ा, इतना बड़ा परफेक्ट है। और ये हाथ जो है हमारा, हाथ के अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, ये देखिए तो परफेक्ट हमारा ये मॉडल और ये बुक का कम्बाइंड सेट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, परफेक्ट परफेक्ट है यहाँ पर। तो भाई देखिए यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो परफेक्टली शेट हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से इनर शेडो पर जाता हूँ, तो देखिए पहले ब्लैक कलर को ले रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर ब्लैक है। और यहाँ पर मैं ओवरले पे पहले रखता हूँ और यहाँ से हम कलर को चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से कलर को लेता हूँ, जैसे ये वाला कलर, कुछ और लाइट कर लेंगे। लाइट लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, साइज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो ये देखिए हमारा जो एडजस्टमेंट है वो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से ओवरले आपको पसंद नहीं है, मैं यहाँ से पूरा साइज बढ़ा के इसको स्क्रीन मोड में रखना हूँ, तो ये पूरा जो देखिए कैसे फैदर फैदर कर दे रहा है, तो इसको यहाँ से साइज को कम कर लेंगे थोड़ा सा, परफेक्ट। तो ये होने के बाद गाइस आपको भी यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक अपना करना है और यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल करना है और इस बुक पे भी हमको जाके सेम पेस्ट कर देना है। तो बुक पर भी हमारा जो है वो सेम इनर शेडो को क्रिएट कर देगा, यहाँ से आप देख सकते हैं इनर शेडो को। तो ये बहुत ही रियलिस्टिक लगने लगा है। अब यहाँ पे हमें और भी इफेक्ट क्रिएट करना है, जैसे ये जो हमारा बैकग्राउंड है यहाँ पे कंट्रोल जे करते हैं, उसके बाद फिल्टर पर चलते हैं हम लोग। फिल्टर पर जाने के बाद ब्लर पर चलते हैं और यहाँ से हम ले लेंगे मोशन ब्लर। मोशन ब्लर को लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल को मैं 7 से 10 कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाए, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका मैं 1000 कर दूंगा और ओके पर हिट करते हैं। तो ये हमारा देखिए बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। अभी सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हम कंट्रोल जे करेंगे एक बार, कंट्रोल जे का मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ। फिर से हम जाएंगे फिल्टर पे, यहाँ पे जाएंगे ब्लर पे और यहाँ पे जाएंगे मोशन ब्लर पे। तो मोशन ब्लर पे जाने के बाद अभी देखिए हमारा जो मोशन ब्लर हमने यहाँ पर लाया है जिसका एंगल तो 10 है और यहाँ डिस्टेंस 1000 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर एंगल को 7 कर देंगे और इसका जो डिस्टेंस है उसको भी घटा देंगे थोड़ा सा, लगभग और घटाते थोड़ा, ओके। तो यहाँ पे मैं 65 रखता हूँ एंगल, तो परफेक्ट है ये। हाँ गाइस तो परफेक्ट है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हमें क्या करना है, इस ये जो लेयर है हमारा इसको क्लिक करना है और यहाँ से फिल्टर पर जाना और कैमरा फिल्टर पर हमें अपने इमेज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे मैं यहाँ से शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। फोटो एक्सपोजर तो बहुत ही बिल्कुल सही है, उसके बाद यहाँ से वाइब्रेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं और यहाँ से आके हम यहाँ से मैं ऑरेंज टोन को इमेज से कम कर दूंगा, जो हमारा बॉडी का टोन है, और रेड कलर को बढ़ा देता हूँ, परफेक्ट। तो यहाँ पर हम ओके पर हिट करते हैं, तो
ये हमारा बेसिक एडजस्टमेंट होने के बाद हमारा पिक्चर कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली सबसे ऊपर आना है और यहाँ से देखिए ये हमारा एक पेज का PNG है जिसे हम यूज़ करेंगे। यहाँ सिंपली उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है। छोटा कर लेंगे सबसे पहले और बड़ा कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ से भी हमको फिर से फिल्टर पे जाना है, ब्लर पे जाना है और यहाँ से फिर से मोशन ब्लर को लेंगे। बट इस टाइम हमारा जो रेडियस है इसका थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम और परफेक्ट। तो ये परफेक्ट है गाइस। अभी देखिए, अभी यहाँ पर और एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे यहाँ से मैं क्या करूँगा, ब्राइटनेस को लूँगा और ब्राइटनेस को क्या करूँगा, थोड़ा सा डाउन कर दूंगा अपनी इमेज पे। गिरा तो ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और यहाँ से हम फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ से हम जाएंगे कैमरा फिल्टर पे। कैमरा फिल्टर पे ओपन करने के बाद यहाँ से हम शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं अपनी इमेज का, डाउन करेंगे शेडो को और यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन करेंगे, वाइब्रेंस को पूरा इंक्रीज़ कर देंगे और सिचुएशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। ये करने के बाद एफएक्स में आएंगे, थोड़ा सा हम एफएक्स को डाउन करते हैं। ओके, पर हिट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा एडजस्टमेंट था कलर के लिए। अब देखिए हमारा कलर आ गया। अभी यहाँ पर सिंपली सबसे ऊपर आएंगे और यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई प्रेस करके एक मार्ज लेयर बना लेंगे। मार्ज लेयर बनाने के बाद फिल्टर पे चलना है। ओके गाइस, तो इतना होने के बाद आपको सिंपली जाना है फिल्टर पे और यहाँ से आना है निक कलेक्शन और यहाँ से कलर इफेक्ट्स प्रो में अपनी इमेज को ओपन करेंगे हम। तो हमारा जो इमेज है वो देखिए अभी कलर इफेक्ट्स प्रो पे कुछ देर में ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम सारा कलर इफेक्ट को यूज़ करके यहाँ पे देखेंगे। तो गाइस यहाँ सबसे पहले हम क्रॉस प्रोसेसिंग में जाएंगे और यहाँ से देखिए मैं कलर पहले से लिया हूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से चेंज कर दें कुछ। यहाँ से आप सारा कुछ चेंज करके आप देख सकते हैं कि आपका कलर कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। ये एक नंबर वाला ही सही लग रहा था, थोड़ा सा हम इसे कम करेंगे। परफेक्ट, ओके पर हिट करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना हम अपना डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने से हमारा जो सिचुएशन है थोड़ा डाउन हो रहा है, हम सिचुएशन को इंक्रीज करते हैं अपनी इमेज में। ओके, तो गाइस ये सेटिंग परफेक्ट है, यहाँ पर हम ओके पर हिट करते हैं। तो गाइस हमारा जो निक कलेक्शन का हमने जो बेसिक सा एक कलर टेक्सचर क्रिएट किया है वो हमारे इमेज पे अप्लाई होगा, अभी देख लीजिए आप। तो देखिए हमारा जो निक कलेक्शन का इफेक्ट था वो देखिए अप्लाई हो चुका है हमारे इमेज पे, बहुत ही सुंदर हमारा इमेज लग रहा है। अगर आपको अभी भी कुछ एडजस्टमेंट करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पर ये वाला जो हमारा लेयर है मैं इसे उठा के ऊपर कर देता हूँ और इसे मैं करूँगा ओवरले। ओवरले करने के बाद आप इसे मास्क कर लें और अपना जो शू का ये वाला पार्ट है उसे हम इरेज कर लेंगे, जैसे ये वाला पार्ट को। ये देखिए यहाँ से हम इसका ऑपेसिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं पूरा पूरी 100। तो यहाँ पर ये करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिल्टर पे जाना है और अदर पे जाना है और हाई पास पे जाना है और हाई पास लेने के बाद इसका वैल्यू जो है हम घटा के लगभग 1.1 रखते हैं। तो ये क्या करेगा, आपकी इमेज को और थोड़ा सा शार्पनेस दे देगा। ये देखिए, तो गाइस अभी ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रॉप टूल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका साइज को चेंज करता हूँ, 16x9 लेता हूँ और हम यहाँ पे अपनी इमेज को काट लेंगे थोड़ा सा इस टाइप से, ऊपर करेंगे इसको कट कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारा सिंपल सा एक पोस्टर जो कि हमने 5 मिनट के अंदर में क्रिएट करा है। यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल बना रहा था तो इसीलिए बहुत लंबा गया। आप ये सिंपल सा पोस्टर को बहुत ही आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं।